और ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, तो मैंने कहा इसमें चलते हैं और आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या इसमें है। बर्गर्स की बहुत ज़्यादा आइटम्स है, फ्राइज़ की बहुत ज़्यादा आइटम्स है, तो मैं आपको वो टेस्ट करके बताती हूँ। और इसके एम पी एस मेरा तो मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है, तो इसका एम पी एस दिखाती हैं और आपको आगे इसका बताती हूँ इसका टेस्ट किस तरह का है। तो ये है जी दी फ्राइज़ प्रोजेक्ट। तो ये देखें इसके बाहर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसका मतलब थोड़ा सा बंदे को वो करते हैं ना अट्रैक्ट करता है कि यार चलो चलते हैं अंदर। तो मैंने भी ये देख के ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा कि यार ये सिटिंग वगैरह इसकी अच्छी लग रही है और मतलब डिफरेंट है। तो मैंने कहा तो सीधा आ जाते हैं इसके मेन्यू की तरफ। मैं अंदर आके बैठ गई थी तो मैंने कहा सबसे पहले जो मेन्यू आए ताकि हम खाने पीने की जो है ना तैयारी करें। तो मेन्यू में ये थे इसके जो बर्गर्स थे उसके बहुत ही अजीबोगरीब से नाम थे, तो इसके लॉस पोलियोस मास्टर श्रेडर और फ्लेमिंग फिल्म से मुलाए और क्या कहते हैं डाइसर्स में आ जाते हैं, डाइसर्स मास्टर डाइस लॉस पिलोस फ्लेमिंग श्रेडो और गैस फ्लेमिंग सैमुराई और इस तरह के जो अजीब व गरीब से नाम थे ना इनको लेते लेते तो मेरी ज़बान भी टेढ़ी हो रही थी। तो मुझसे तो लिए भी नहीं गए, तो पता नहीं मेरे सही लिए मैं ये नहीं लिए। लेकिन हाँ आगे जो बात की जाए खाने की तो मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैं मुझे कैसा लगा। बाकी जो इसके जो थे ना मेन्यूज़ तो मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे, जो फ्राइज़ के मेन्यूज़ थे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के फ्राइज़ थे, मतलब लोडेड फ्राइज़ तो होते ही हैं जैसे अब हम खाते हैं, लेकिन देखिए पेपर बॉल और ड्रैगन स्प्रीट और अयोली और जो गार्लिक मेयो के से थे और न्यू रेवल में चीज़ें थे और साथ में हम कोई भी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। तो ये मुझे डिफरेंट लगे, तो मैंने इसमें जो है ना दो तरह के जो है ना ये ड्रैगन वाला और चीज़ी वाला जो है ना ये मैंने ऑर्डर कर लिया था। फिर आ जाता है जी और ये एक डील थी जो कि 990 में थी और इसमें 3 बर्गर्स थे, तो वो भी अपनी पसंद के हम ले सकते हैं। ये आपको पता ही है फ्राइज़ थे और लोडेड फ्राइज़ थे, ये मैंने भी ऑर्डर नहीं किए थे क्योंकि मैं ज़रा फ्राइज़ की तरफ जाना चाह रही थी, क्योंकि इसका फ्राइज़ का ही जैसे इसका नाम ही है दी फ्राइज़ प्रोजेक्ट। तो अब आपके लिए मैं जो है ना डायरेक्टली इनके किचन में आ गई हूँ, मैंने कहा जरा किचन में घुस के ज़रा देखते हैं इनके क्या है, उनसे मैंने परमिशन ली थी पहले। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके जो मैनेजर्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा जो थे मतलब बहुत फ्रेंडली थे और उन्होंने अच्छे तरीके से जो है हमें डील किया। और बाकी ये कि जो बिल जो देना था वो तो हमने कम्प्लीट दिया, लेकिन बस उसका ये जो हाइजीन तरीके से जो बना रहे थे तो मैंने कहा ये उन्होंने जब मेरी डील रेडी करनी थी तो मैंने कहा मुझे ज़रूर बुलाइएगा। तो फ्राइज़ इनके इस तरह फ्रोज़न होते हैं और इस तरह से ना देखिए आप हाइजीन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ इन्होंने अपना किचन, क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना किचन की अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं होते। तो यहाँ पे जो हमारे फ्राइज़ है इन्होंने पहले फ्राइज़ डाले हैं और फिर इसमें जो है ये ड्रैगन फ्राइज़ थे तो इसमें इन्होंने बारबेक्यू सॉस डाली और कुछ पेरी पेरी और इस तरह की सॉसेज डाली और उसके बाद दोबारा जो हमारा दूसरा था फ्राइज़ चीज़ी फ्राइज़ और इस तरह से चीज़ी फ्राइज़ को भी इन्होंने लोड कर दिया था चीज़ी सॉस के साथ, फुल ऑफ ये चीज़ से बनाई हुई होती है और ज़बरदस्त। और मैं समझती शायद ये इतने ही देंगे लेकिन यहाँ पे बस नहीं होती, तो उन्होंने बाकी और भी फ्राइज़ डाल दी। पहले मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा यार ये क्या इन्होंने बस इतने से डाले, लेकिन इनका जो ये बॉक्स है ना ये बहुत ज़बरदस्त था और मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया ये बॉक्स के ऊपर जो ये ड्रैगन्स की और ये मतलब फ्राइज़ के मुताबिक जो फेसेस बने हैं ना, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे जो उन्होंने। और जो फ्राइज़ थे और ये स्टैंड था जिसमें फ्राइज़ रखे थे ये भी ओवरऑल जो है ना बहुत अच्छे लग रहा था, मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि इस तरह के इन्होंने स्टैंड में कोई फ्राइज रखे थे रहा हो, तो मतलब इनकी जो प्रेजेंटेशन थी ना मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये सारा कुछ देखने के बाद जो है ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल हो गया काम, तो दिल कर रहा था यहीं से खाने लग जाऊँ गर्मा गर्म, लेकिन क्या करें आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी तो थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ना था ना कि मैं ज़रा इसको आपके लिए इंतज़ार करना था आपको दिखाना था सारा कुछ, तो मैंने थोड़ा इधर वेट किया। लेकिन और उसके बाद जो है ना इन्होंने और ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर तड़का ये लगाया था इन्होंने जो ये ना स्टिक्स रख दी इसके साथ जो फ्राइज़ खाने थे, तो मैंने कहा ये भी यार ये बड़ा अच्छा हो जाना है काम, मतलब हाथ शायद गंदे नहीं होंगे वैसे सर्दी हैं और ठंडे पानी से हाथ धोने पड़ते हैं तो बंदे को लग पता जाता है। तो यहाँ पे जी हमारे बर्गर ये जो है ना फ्राइज़ यहाँ पे ये इनका डीप फ्रायर है और ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको एंड में भी दिखा दूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो बंदों के लिहाज से ही ऑर्डर के लिहाज से ही ये जो है ना अपना रेडी करते हैं, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। ये नहीं कि आपने बना के रखी मैं बासी पसीदा फ्राइज़ खिला रहे हैं, लेकिन नहीं ये तो बिल्कुल ही टाइम पर बड़े ज़बरदस्त से फ्राइज़ तैयार करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने कहा इनका एम बी एस दिखाऊँ, यानी कि सेटिंग शेटिंग बड़ी ज़बरदस्त है और देखते देखते हम तो लग रहा था कि जब ओपन हुआ था लग रहा था कि जैसे मम्मी सिर्फ इधर आए, लेकिन देखते देखते यहाँ पे गाड़ियों का रश इतना लग गया और लोग आने जाने लग गए थे। तो
तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इंस्टा वालों के लिए, वीडियो बनाने वालों के लिए तो बड़ी अच्छी जगह यार, पिक्चर्स वगैरह अच्छी आ सकती हैं, बच्चों को तो पसंद आती हैं ऐसी जगह, उनको तो छोड़ ही दें। तो बाकी ये कि बच्चों भी इंजॉय करेंगे, इनका मेन्यू शेन्यू यहाँ पर लगा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी दिखा दूँगी, इनकी मतलब आप इधर आए ना तो आपको ऐसा फील ना हो कि आप इधर फर्स्ट टाइम ही आए, लेकिन आपको ऐसा फील हो कि आप यहाँ पर आते जाते रहते हैं। खैर यहाँ पर और भी लोग थे तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता यार किसी की प्राइवेसी दिखाना। तो मेरी डील आ गई थी 3 डिफरेंट जो सेमोले वाले बर्गर से जो मैंने पहले नाम लिए उनमें से कोई 3 बर्गर मैंने मंगवाए थे। मैंने कहा शराडो वगैरह जो है ना ये खाया जाए। तो बाकी ये कि मेरे बच्चों ने ना पहले इसको अपने बाबा के साथ आके खाए थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये डिफरेंट है, अच्छी है, मज़े के हैं। तो खैर हमने ये मंगवाए लिए थे, तो लेकिन ना मुझे ये अच्छा लगा। श्रेडो का मतलब था इसमें श्रेड जो है ना पीस हुए हुए थे चिकन के बारीक बारीक, तो मुझे ये अच्छा लगा स्टाइल। और इनके फुल ऑफ था, चीज़ी था, और मतलब डिफरेंट ही थे इनके स्लाइस के, जितने भी इन्होंने कहा था कि डिफरेंट है 3, तो 3 ही डिफरेंट थे। ये मेरे फ्राइज़ भी आगे हुए थे। तो चले मैं अब आपको इसको टेस्ट चेस्ट करके दिखाती हूँ, बताती हूँ। मैं तो बेसब्री से मतलब तो फ्राइज इन्होंने देखी, वाओ ये स्टाइल तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये है हमारी ड्रैगन पिज़्ज़ा, ड्रैगन फ्राइज स्पाइसी है, बट ना स्पाइसी नहीं, जैसे इस पर लिखा हुआ ना ये ड्रैगन फ्राइज है, तो इतने ज़्यादा स्पाइसी लग नहीं रहे, मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे, बट बहुत मज़ेदार है। तो मैं आपको हाँ ये चीज़ी फ्राइज है, ये मैं आपको खाना चाहती हूँ, ऐसे आप बनाऊँ जबरदस्त खटीस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, चीज़ी है जैसे आजकल वो पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ हो, हर चीज़ में चीज़ हो, तो ये तो मुझे लगता है स्पेशल होने वाला है, फेवरेट होने वाला है। और ये आ जाते हैं हम अपने डील की तरफ, ये देखें इसको कहते हैं स्ट्रेटेड, यहाँ पे जो बर्गर्स के नाम भी ऐसे थे कि आपके मुंह में जो है ना बोले नहीं जा रहे थे, तो स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड टाइप है। तो ये मैंने इसकी डील देखी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको लेके दिखाती हूँ। गाइस समथिंग डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट लग रहा है मुझे, और आप देखते होंगे इसके अंदर जो है श्रेडेड बर्गर में श्रेडेड स्लाइस है, मैं आपको ज़रा खोल के दिखा रही हूँ, ये देखें ये श्रेडेड है और काफ़ी जूसी है और टेस्टी है, डिफरेंट है। ज़बरदस्त इसका जो है ना टेस्ट बहुत डिफरेंट है और यूनिक टेस्ट है, मतलब जैसे हम आजकल हुए हैं ना, बहुत अच्छी बात है कि हम इंटरनेशनल ब्रांड को छोड़ के और हम इसकी तरफ आ रहे हैं, ज़बरदस्त। साथ ही मैं दूसरा बर्गर ट्राई करने लगी हूँ, इसमें जो सैलड हैं वो बहुत ज़्यादा लोडेड हैं, ये मैं आपको लेके दिखाती हूँ इसमें क्या होगा, ज़बरदस्त बहुत ही आला टेस्ट ज़बरदस्त है। और ये जो है इसमें गार्लिक और चिली चीज़ी जो मेयो है इसका टेस्ट जो है वो इतना ज़बरदस्त एनहेंस हो रहा है, एक डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त कि मैं कहती हूँ माइंड ब्लोइंग हो गई है, मेरा बाहर आना व्लॉग बनाना सक्सेसफुल हो गया, ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है, साथ में ये चिल पेप्सी आज इंजॉय करती हूँ। और आज आप देख लूँगी मैं कहती हूँ तो मैं जैसे अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, बच्चे जो है वो घर में छोड़ना पड़ा, सर्दी बहुत थी वरना वो रुकते नहीं है, सर्दी में भी फॉग में भी हमारे साथ होते हैं। जब तक मैं अपनी डील को ख़त्म कर रही हूँ, फिनिश करती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।